मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां पर दलित बस्ती में उन्होंने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। भाजपा के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्वाह्न 11:30 बजे दाऊदपुर दलित बस्ती पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीब तबके के लोगों को मिलने वाली योजनाओं के लाभ को लेकर मोदी और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने गरीबों के लिए उज्ज्वला जैसी तमाम योजनाएं लाकर उनके लिए काम किया है। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा सदस्यता अभियान के प्रमुख हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम उनका दाऊदपुर हरजन बस्ती में उनका हृदय से आभार और स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी शिवराज चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद करें। हम लोग के बीच में शिवराज पाटिल जी का, शिवराज चौहान जी का मल्यार्पण कर स्वागत करने कार्यकर्ता में ऐसे पार्षद हमारे साथ इतना शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दशरथ जी, अरे वही को चालू करे, टाइम भाग गए, चलिए तो चालू हो गया ना, डीजल तो आ गया, चालू करे, फेल हो गया। जवाहरलाल मोबाइल आपका है, पहले मेरे पास आ गए, वो मैसेज आ गया। हाँ शशांक जी वहाँ मेरे साथ सदस्यता के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राहुल जी, प्रदीप जी, पुष्पदत्त जी, बाबूलाल जी पासी, दयानंद जी और इस बस्ती के यहाँ उपस्थित
मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कोई भाषण का कार्यक्रम आज नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान के अंतर्गत आपको सदस्य बनाने आया था, लेकिन आज जब यहाँ गोरखपुर में हूँ तो कारगिल विजय दिवस है। आज से 20 साल पहले पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, भारत की सीमा पे हमारी जमीन पर घुसने का साहस किया था, लेकिन हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया और एक एक इंच जमीन मुक्त करा दी। लेकिन पाकिस्तानियों से लड़ते हुए इसी गोरखपुर के गौतम गुरांग शहीद हो गए थे। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे वीरों की वीरता के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित रहती है। और आज जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी हमला किया था, हमारे सैनिकों ने जाके बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की कब्र वहीं बालाकोट में बना दी थी। अब कोई साहस नहीं कर सकता हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखने का। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, और योगी जी भी मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हुए। आज सदस्य अभियान के अंतर्गत एक ही आग्रह मैं आपसे करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करती, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है। हमारे गरीब भाई बहन, हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन भी जिनका सम्मिलित है, उनकी भलाई और कल्याण के लिए मोदी जी और योगी जी ने अनेकों योजनाएं बनाई है। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सन 2022 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। गरीबों को भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी बहने जो लकड़ी से चूल्हे पर खाना बनाती थी, अब सबको गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। जो बहने बच्चे जो उनको भी शीघ्र गैस के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। आम आदमी बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, एक नहीं जनकल्याणकारी अनेकों योजनाओं पर काम करके सरकार जनता की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही है। गरीब हो, किसान हो, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले है। उनके कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। एक तरफ जनता का कल्याण और दूसरी तरफ विकास के काम। जब ये मैं आ रहा था तो रास्ते में एम्स का निर्माण तेज गति से हो रहा है, मैंने देखा। शहर बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, भारत बदल रहा है। अब अपना देश चंद्रमा पे भी अपना यान भेज रहा है, मिशन चंद्रयान भी हमने शुरू किया है। भारत का मान, प्रतिष्ठा और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ी है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि देश बनाना है तो अकेले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, 130 करोड़ भारतवासियों को मिलकर अपना देश बनाना पड़ेगा। अगर 130 करोड़ भारतवासी एक एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। और इसलिए देश बनाने में आपका साथ चाहिए। भारतीय
जनता पार्टी का अभियान देश बनाने का अभियान है और जिस समाज के संपर्क भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, हम आप सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम जनता की जिंदगी भी सुधारें और अपने देश के निर्माण में भी अपना योगदान दें। मुझे खुशी है कि अनुसूचित जाति की इस बस्ती में आज मुझे आने का सौभाग्य मिला। आप में से कई भाई बहन अभी यहाँ सदस्य बने हैं, मेरे जाने के बाद यहाँ स्थान रहेगा और सदस्य बनाने का काम यहाँ निरंतर जारी रहेगा। सदस्य बनाने के लिए मिस कॉल जरूर करवा दीजिए, क्योंकि केवल फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ मैं सदस्यता अभियान के अंतर्गत आया हूँ। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, विस्तार से मैं प्रेस पर बात करूँगा। यहाँ तो मुझे खुशी है और मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि हमने इच्छा प्रकट की थी कि किसी गरीब बस्ती में जाके मैं भी सदस्य बनाऊँ और कार्यकर्ताओं के साथ हाथ बटाऊँ। तो आज इस बस्ती में मैं आया हूँ। अनेकों भाई और बहन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभियान है देश बनाने का अभियान, और देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं। विस्तार से चर्चा में थोड़ी देर के बाद करूँ।